हाँ दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो मैं एक शेयर लेके आया था, वो लेके आया था कैनर कंस्ट्रक्शन, और आप देखेंगे इसमें थोड़ा गिरावट का दौर चालू है, और अभी ये अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे को तोड़ा हुआ है, और वो अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज 190.05 के लगभग काम कर रहा है। तो इसमें लॉन्ग, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और अगर डिटेल में बताऊं तो ये इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मेनली ये रोड्स, हाईवे वगैरह लेती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, और इरिगेशन का काम करती है। इसका मार्केट कैप है 2684 करोड़ का। करंट जो आपको दिखाया है 190 रुपीज़ पे काम कर रही है। 52 वीक 348 और 163 का लो भी है इसका। डिविडेंड देती है, अच्छा प्लस पॉइंट आपका बताता हूँ, डिविडेंड देती है। सेल्स ग्रोथ 30% का है, ये भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से है, बहुत अच्छा है, और ये अपने बुक वैल्यू के सिर्फ 2.11 से मिल रही है। और ईपीएस देखिए 18%, और डेप्ट देखिए क्या है, जिसका आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, अगर अगर आपके पास सेल्स ग्रोथ 30% से हो आपके पास, और अगर आपके पास सिर्फ डेप्ट 220 ना के बराबर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 412 करोड़ का है और सिर्फ डेप्ट 220 करोड़ का है, तब तो 1x0 डेप्ट कह सकते हैं इसको। और कैश का बैलेंस देखिए 43.85 करोड़ कैश बैलेंस रखती है। ये कंपनी है क्या? तो आपको अगर मैं एक बताऊं तो इनके ये जो मिस्टर के नरसिम्हा रेड्डी हैं, फाउंडर प्रमोटर हैं, जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है हाईवे सेक्टर में, हाईवे सेक्टर में 1968 में ये इस बिजनेस से एंगेज हुए थे। और मिस्टर के जलान रेड्डी हैं प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 25 साल का इनको, 25 साल से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है हाईवे सेक्टर में, और ये करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो किए थे 1997 में, ये सारे प्रोजेक्ट को, बिडिंग प्रोजेक्ट को, जितने भी बिड होते प्रोजेक्ट को, इसको लीड करते हैं ये इसके बारे में। अगर इसका बिजनेस ओवरव्यू एक बार देखें तो क्या है ये बिजनेस, इसके बिजनेस के बारे में समझे तो क्या है, तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेजर प्रोजेक्ट्स इन रोड एंड हाईवे, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। एस्टेब्लिश प्रेजेंस इन इरीगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन में भी, अर्बन वाटर स्ट्रक्चर में भी। 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन, 20 साल का इनको प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन का एक्सपीरियंस है। मोर देन 6,000 लेन किलोमीटर, ये हाईवे NHAI वगैरह जो होता है, जो गवर्नमेंट हाईवे प्रोवाइड कराती है, हाईवे जो रोड बनता है, तो ऑलरेडी मोर देन 6,000 लेन किलोमीटर से ज़्यादा का ये ऑलरेडी एक्सक्यूट कर चुके हैं। और ये कोई एक दो स्टेट में नहीं कर रहे हैं, ये 12 स्टेट में काम कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में देखिए तो ऑलरेडी क्या क्या अच्छा चीज़ है इनका, तो 778 लेन किलोमीटर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड बिहार। 2 NUT-based projects एंड 2 toll-based projects कंप्लीटेड। 4 HMA projects फॉर विच फाइनेंशियल क्लोजर इज अंडर प्रोग्रेस, ये 30 सितंबर का अपडेट था। अंडर द 1 HMA project फॉर विच LOI हैज बीन ऑलरेडी रिसीव्ड। स्ट्रॉन्ग EPC ऑर्डर बुक, 18,000 इनका ऑर्डर बुक देखिए 30 सितंबर के क्लोजिंग में 18,300 प्रोजेक्ट, 15 मिलियन का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। कमेज 13, उसमें से 13,685 जो है मिलियन रोड सेक्टर का है, 4,663 मिलियन इरिगेशन में है, एंड मिलियंस अदर्स, छोटे छोटे और भी जो प्रोजेक्ट है वो उसमें है। इनका की अपडेट जो है, अगर मेन मेन की अपडेट से क्या है, तो कंपनी हैज रिसीव्ड 5 HMA projects वर्थ ₹56,000 मिलियन का। रिसीव सेंक्शन ऑफ 4 NHAI HM projects फ्रॉम बैंक्स अवेटिंग साइनिंग फॉर कंसेशन एग्रीमेंट। द कंपनी हैज रिसीव अवार्ड 2 fastest growing कंपनी। द कंपनी रिसीव अवार्ड बेस्ट एक्सक्यूशन इरीगेशन प्रोजेक्ट कमलेश्वर, ये सब है। और अभी देखिए जो 31 को जो इसका ऑर्डर, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए 59% का ऑर्डर बाकी है, और स्टेट गवर्नमेंट का 41%। तो जो भी साउथ में स्पेशली जो इनका एक्सक्यूशन है बहुत ही अच्छा है, और देखेंगे 18,350 मिलियन का 30 सितंबर को इनका ऑर्डर बुक पेंडिंग है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट, तो ये ऑर्डर बुक पेंडिंग है इनका। चलिए अब इसके दूसरे फाइनेंशियल को आपको दिखाई दिया, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल काम कर रही है। और इसके बारे में और अगर थोड़ा सा डिटेल में चले जाएं, शेयर होल्डिंग परसेंटेज वगैरह में जाए केनार कंस्ट्रक्शन का, तो आप केनार कंस्ट्रक्शन के होल्डिंग में देखेंगे 55, जो कि है सितंबर में 55.38% जो है
इसका प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआई देखिए, एफआई इसमें बाय कर रहा है 3.26 से 3.36, ऑलरेडी इसमें 57 एफआईज इन्वॉल्व है। इसमें अच्छे खासे म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां भी अच्छे खासे इसमें, इंश्योरेंस कंपनियां, फिर म्यूचुअल फंड, वो भी कितने परसेंट के, 28% से म्यूचुअल फंड की कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। तो अच्छे खासे इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, एफआईज हैं, प्रमोटर अपने स्टेक नहीं कम कर रहा है। और अच्छी बात बताऊं, जहां डेप्ट नहीं है, एक तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, यही प्लस पॉइंट है कि इसका डेप्ट नहीं है। तो वहां पे भी इसने प्लीज कहीं नहीं किया, कोई भी गिरवी नहीं रखा, 1 रुपया का शेयर गिरवी नहीं रखा है। इसके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, इसके पास कैश की कमी नहीं है, इसके पास डेप्ट है नहीं, और इसके पास कोई भी चीज बैड न्यूज नहीं, एक्सेप्ट इसको बड़े ट्रेडर लोग इसको गिरा करके नीचे में एक्वायर करेंगे और फिर उसको अप लेके जाएंगे। तो इसमें कोई भी चाहे तो अपनी पोजीशन वो अभी नहीं बनाना, अभी ये गिरेगा 170 तक गिरेगा। इसका चार्ट पे भी जाकर के चेक कर लेते हैं, तो चार्ट पे भी जाके एक बार देखते हैं। तो ये एक बार आपको जो गिरावट दिखाई दे रहा है, आपको हो सकता है आपको 190 पे ऑलरेडी है ये, तो ये आपको और गिरावट यहाँ से दिखा सकता है आपको। और अगर मैं इसको जा करके चार्ट पे देखूँ, केनार कंस्ट्रक्शन को, तो आपको ये फर्स्ट जो सपोर्ट है ना इसका, ये देखिए, ये अभी तो इसको तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 187 का है, तो 187 का सपोर्ट है, और 180 और 169, तो आपको 180 के आसपास ये जाएगा। और वहां से एक बार आपको पहला से सपोर्ट है इसका 180 का है, और वहां से एक बार दूसरा सपोर्ट है इसको 179 70 का, तो 180 और 170 पे इसको अच्छा सपोर्ट है। तो ये अभी जो कैंडल जो चार्ट बना है, इसका जो कैंडल बना, आवरली कैंडल बना, निगेटिव बना है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट भी निगेटिव है। तो हो सकता है एक बार ये आपको 170 के आसपास आपको जाते हुए दिखेगा, कोई हड़बड़ी नहीं करना आपको। और इसको अच्छा खासा ये देखिए, अगर इसका ये अगर हम देखें ना, तो 182 180 के पास जो सपोर्ट बता रहा था आपको, ये आपका जो 200 डेमा है वो वहां पे भी इसको सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसका जो सपोर्ट भी आप कहें, ये यहाँ पे जो है 200 183 के आसपास, तो 200 डेमा का सपोर्ट है, तो 180 पे एक सपोर्ट ये लेगा। और अगर नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे लास्ट 170 165 170 के आसपास आएगा, यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो अभी कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें बाई करना, नीचे जाने दीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई, बट इसके लिए कोई खराब नहीं है। और ये बहुत जल्दी आपको यहाँ से 205 219 और 270 के लेवल भी दिखा सकता है आपको। अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट, तो ये जो 177 है यहीं से गया था, 170, हाँ 170 इसका है। तो एक पहला जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, आपको पहला ये जो क्रॉस करेगा वो करेगा आपको 243, और 243 क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा, इस लेवल पे दिखाएगा आपको 298। तो 298 का टारगेट आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इसको अभी देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब तक अभी 19 में कुछ होता नहीं तब तक तो होगा नहीं। तो एक बार ये अगर आपको 250 क्रॉस करता है तो आपको 300 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, और 300 के बाद 350 का भी लेवल, जो ये अपने हाई बनाए हुए हैं, ये जो हाई बनाया हुआ था 340 349 का, तो वहां तक आपको 349 का वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। तो केनार कंस्ट्रक्शन में लोअर साइड में आप चाहें तो 175 और 119, उसके बाद 175, अगर मंथली बेसिस पे देखें इसको, जिसको जो सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है 175 का दिखा रहा है, 175 के बाद 119 का दिखा रहा है, तो मेरे अंदाज से 175 के पास आपके आपको बेस्ट बाइंग है। वहाँ पे आपको एक बार बाई करनी चाहिए, पार्शियल बाइंग करनी चाहिए, या ईएमआई कर सकते हैं आप इस पे, आप एसईपी कर, ईएमआई कर, एसईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। तो केनार कंस्ट्रक्शन में आपको पोजीशन सिस्टमेटिक ढंग से बनाना चाहिए, और 2-3 साल में इसका टारगेट आपको 300+ रहेगा। तो अगर आपको 160 मिलता है तो यहाँ से आपको डबल 200% 3 साल के अंदर मैं आपको देखने को 300+ भी देख सकता है। इसमें प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है, इसके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके क्या आपको दिखाई दिया, इसमें कैश रिच कंपनी है, और वापस आपको दिखा दूं, ये कैश रिच कंपनी है,
सेल्स, इसका क्वार्टरली सेल्स देखिए, रिसेंटली अभी सेल्स देखिए, इसका क्वार्टरली सेल तो देखिए 416 करोड़ का है, 20% की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए 74-75 करोड़ है ही इसका टोटल। टिल देखिए लास्ट ईयर 1932 से उसको ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है 2000 का, जबकि इसके 3 प्रोजेक्ट अभी इस क्वार्टर में क्लोज हुए हैं, तो इसकी प्रॉफिट क्या अच्छा आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो लास्ट ईयर का 272 तो ऑलरेडी 264 क्रॉस कर चुका है, तो डिविडेंड पे आउट कंपनी है, डिविडेंड भी पेड कर रही है, तो ऐसी कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। आप अगर देखिए ना 2 से 4% तो आपको केवल शेयर रखने से आपको फायदा हो जाता है, अगर इसको रखते हैं तो 4 से 5% तो डिविडेंड ही दे रही है आपको, और पहले ये 10% भी दिया हुआ है, तो आगे जा करके ये अच्छा कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और आपको हो सकता है इसमें अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। तो केनार कंस्ट्रक्शन पे लॉन्ग टर्म से पोजिशनल पॉइंट से आप इसको देख सकते हैं। देखिए 21 करोड़ का कैश फ्लो है, खराब कंपनी नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको पोजीशन बना करके रख सकते हैं। फिर भी अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें एक बार, फिर इस पे कोई पोजीशन बनाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके जो स्टेट गवर्नमेंट से और जहाँ से इसका पोजीशन है ना, वो आपको दिखाता हूँ। एक बार इसका वेटेड, अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देख लेते हैं एक बार, क्या इसका बता रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज, क्या बता रहा है इसका, तो ये भी जो बता रहा है एक, अभी ये डाउन जाएगा और आपको हो सकता है 165 170 में आपको मिलेगा, तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है इसको बाय करने की, और आप इसको बाय कर सकते हैं, लेट करके भी बाय कर सकते हैं, और आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसमें अच्छी खासी पोजिशन देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय पोजिशन है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई पोजीशन में बना के रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।